बातें करना तो और बात है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप आपको इतनी हिम्मत है तो आप हैदर के वकील से लाइव आओ। मैं थकती हूँ ऐसे लाइव आने पे, मैं लाइव भारत के लोगों के साथ आती हूँ और हमेशा आती रहूंगी, बट पाकिस्तानी के साथ लाइव आने का मैं सोच भी नहीं सकती, मुझे नफरत है उन लोगों से। अभी तो हैदर का जो बाप है ना वो सगा बाप नहीं है, जब हैदर का सगा बाप नहीं है वो उसको पाल सकता है तो मेरे पति क्यों नहीं पालेगा? मेरे पति तो उनको जान से ज्यादा प्यार करता है। पहले हैदर अपने, हैदर को इतना बुरा लग रहा है ना, पहले हैदर अपने सगे बाप के पास जाए, उसकी माँ ने दूसरी शादी करी है, पॉइंट की बात ही है। हैदर को अपने सगे बाप के पास जाना चाहिए, क्यों रह रहा है हैदर यहीं पर? हैदर का अमीरजान सगा बाप नहीं है, हैदर का चार, हैदर के बाप दो हैं। हैदर की जो पहली पत्नी थी, माँ थी सॉरी पापा थे उनके, उनकी चार पत्नियां थी। हैदर की माँ ने दूसरी शादी करी, उसकी दो पत्नियां हैं अमीरजान। हैदर के सगे बाप का नाम है रहमदिल, वो नहीं रहता, वो अपने दूसरे बाप माँ के दूसरे पति के साथ रहता है, उसका नाम है अमीरजान। खुद अपने सगे बाप के पास जाए। मैं और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, कुछ लोग कह रहे कि सीमा झूठ बोल देगी हैदर की बेटी की शादी नहीं हुई, मैं ऐसा नहीं कहती कि शादी हुई, मैं ऐसा कहती हूँ कि निकाह हुआ है। जैसे 14 साल की होगी उसका जो पति है वो लेके उसको चला जाएगा, निकाह हो चुका है, मेरे सामने हुआ है, उसकी माँ के सामने हुआ है, हैदर के सामने, हैदर के बाप और हैदर की दोनों दो माए हैदर की उनके सामने हुआ है। जो मैं बातें कहती हूँ ना वो हैदर प्रूव करता है, मैं कहती हूँ हैदर प्रूव करता है। आज तक आपने देखा है हैदर के घर से कोई भी, मतलब सिंध की तरफ से कह रही हूँ, कोई भी विरोध में या मेरे पक्ष में कोई औरत देखी है आपने? हैदर की लाइफ में कभी भी देखी आपने कोई औरत? अंजू आई थी उसके साथ कभी कोई औरत देखी थी तुमने? नसरुल्लाह किसी की नहीं, ये चीजें सामने है, मैं गलत नहीं बोलती। तो छोटी सी बच्ची ला रहा है सामने, फिर कह रहा है ये तो हमारे गैरत गवारा नहीं देती, सिर्फ सीमा को जवाब देने के लिए। अरे छोटी सी बच्ची में भी तुम गैरत दिखाते हो? उसकी हालत, उन बच्चों की हालत देखो, मेरे बच्चों की हालत देखो, मेरे बच्चे खुश हैं, आजाद जिंदगी जी रहे हैं, भारत में अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। ये लोग जो कहते हैं बच्चे दे दे बच्चे, मेरे बगैर तो बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चों को मारना चाहते हैं वो लोग, मेरे बच्चे एक घंटा मेरे बगैर नहीं रह सकते, इन बच्चों को मारना चाहते हैं वो लोग, इतना क्यों नहीं सोचते कि मेरे बच्चे मेरे बगैर कैसे रहेंगे? सबको घर वालों को धमकी तो देते हैं, बट मैं उनको यही कहूंगी तुम मुझे धमकी देते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं चीजें छोड़ आई समझो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। जिससे किसी ने नहीं पूछा था, मेरे सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा था, जो अब मुझे फर्क पड़ेगा, मैं पाकिस्तान का नाम भी सुनना नहीं चाहती। ये कहना चाह रही थी कि हैदर कहते हैं कि सीमा धर्मों पे बात करती है, मैं कभी भी धर्म पे बात नहीं करती। मुसलमान तो भारत में भी रहते हैं, कितने खुश हैं, कितने आजाद हैं, यहाँ यहाँ के मुसलमानों से हिंदू नफरत नहीं करते, ना मुसलमान हिंदुओं से यहाँ नफरत करते हैं, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। बट वहाँ पाकिस्तान में मैं अपनी आंखों देख के बात करूंगी, मैं किसी ने झूठ नहीं बोलती, मैं अपनी आंखों देख के बात करूंगी। अगर वहां का हिंदू कभी हमारे दरवाजे पर आके पानी का गिलास भी मांगता था ना, जिस गिलास में मतलब हम हिंदू को पानी देते थे, उस गिलास किसी को पकड़ा देते थे या कुत्तों को जाकर देते थे उन्हें दूध वूध, इसलिए पानी पी लिया कि हमारे लिए हराम हो गया, इतनी हिंदुओं से नफरत करते हैं। तो अब कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई हिंदू भाई हिंदू भाई कहते हैं, पहली बात की बात। अगर मैं मुसलमानों के धर्म दूसरों की बात नहीं करती, मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करती हूँ, महजब जाति के नाम गैरत शान शोकत दिखाते हैं औरतों के लिए, अगर औरत मतलब घर से थोड़ा बाहर भी जाएगी तो इस्लाम ही नहीं है, गैरत हमारी शान खराब होगी, या बुरके के बगैर जाएगी तो हमारी शान खराब होती है, नाम पे औरतों को दबा के रखना। तो इस चीज के बारे में मैं कहती हूँ कि वो लोग ही करते हैं, मुसलमान तो यहाँ भी रहते हैं, यहाँ के कितने अच्छे मुसलमान खुश रहते हैं, यहाँ से मिलजुल के रहते हैं हिंदू मुसलमान, यहाँ पता ही नहीं पता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, शिया सुन्नी की लड़ाई चलती रहती है, हिंदुओं को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कहते, आपस में मुसलमान भी लड़ते रहते हैं। तो मैं यही बात कहूंगी कि मैंने कभी भी किसी के धर्म के लिए नहीं कहा, मैंने वो कहा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं यहाँ के हिंदू जो हिंदू मुस्लिम जो भी भाई बहन उनके लिए उनको भी यही कहूंगी कि हैदर इतने मजलूम नहीं है। नहीं, कैमरे के सामने इतनी गाली देते हैं, आप सोचो कैमरे के बगैर घर पे किस तरह बोलते होंगे वो इंसान, एक बार सोच के देखो। वो इतने मासूम नहीं है जिसके साथ मैंने धोखा कर लिया आराम से कर लिया, बिल्कुल भी नहीं, वो इतने मासूम, वो जितने बन के दिखाते हैं ना। अरे आप लोग उनको मतलब जो हैदर के पक्ष में बोलते हैं यही कहूंगे, आप उनको ये क्यों नहीं कहते कि वो भी दो बच्चे हैं उनके, मासूम से, उनका तो ध्यान रखो कम से कम, उनको पढ़ा, उनको गाय बकरी भैंस घास काटने के लिए रखा हुआ है, भैंस चराने के लिए रखा है, गाय चराने के लिए रखा हुआ है, कभी भी नहीं कर सकते। और मैं क्यों, जब मुझे तलाक दे चुके हैं मैं क्यों ऐसा काम करूं? वो झूठ बोल रहे हैं, और बच्चों का 4 साल पहले क्यों नहीं सोचा, आप क्यों सोच रहे हैं? उसने बच्चे पैदा करने के लिए मतलब मैं क्या शब्द बोलूँ, शब्द ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलूँ? सोचते थे कि बच्चे मरेंगे सीमा का क्या, बच्चों सीमा मरेगी बच्चों का क्या होगा, अब उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हैदर बेच दे बेटियों को फिर अच्छा लगेगा उनको, वो खुशी मनाएंगे जब हैदर अपनी बेटी को 2.5 लाख भेजा तो उनको भी बेच देगा फिर उनको अच्छा लगेगा। ये चाहते हैं वो लोग कि बच्चे हैदर को दे दो बच्चे, और पहले उन बच्चों को हैदर अच्छा था
अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चीजें दे, फिर मानूंगी। वो बेचारी यूं लपटी हुई, इतनी डरी हुई सी बच्ची थी, पता नहीं कितने दिन खाना नहीं खाया था, वो बच्ची सी थी। मैं उनके बारे में गलत नहीं कहूंगी, बट मैं हैदर मतलब एक तरह समझाऊंगी कि उन बच्चों को पालो, उनको बड़ा करो, उनको अच्छा फ्यूचर दो। मैं सबकी बात नहीं करती, वहां लोग पढ़ते भी हैं, घूमते भी हैं, बाहर आजादी भी है, जो हम पे बीती मैं उसकी बात करती हूँ। मैं बता दूं आपको, अगर मेरी बहन है, मेरे साथ गलत हुआ था, जो मेरे साथ बुरा हुआ था, वो चीजें तो बता दे, जो मेरे साथ लास्ट में लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था, बता दे क्या मैं खुश थी, वो चीज बता दे। वो बता दे जो हैदर मुझे मार मार के भगा देता था, उनके घर एक एक महीना रहती थी, वो चीजें नहीं बताती। शुरू की बात बता रही हूँ, जब हैदर पाकिस्तान में था तो हैदर मुझे इतना मारता था कि मेरा खून निकल आता था, तो भाग के मेरे अपने घर ले जाते थे एक एक महीना, फिर मुझे वापस हैदर ले जाते थे, फिर वही पिटाई, फिर वही मारना। एक दिन मैं भी तंग आ गई, मैंने जब भी मारते रोज के चुप हो जाती थी। वो चीजें क्यों नहीं बताती, बताए ना रीमा वो चीजें, अगर रीमा है तो वो बताए चीजें, तो मैं मानूंगी रीमा बताए। जब ये प्रियंका पैदा हुई थी, प्रियंका का नाम रखा, मार के मुझे घर से निकाला था, वो चीज बताए क्या क्या हुआ था, वो चीज बताए, वो चीज बताए। जब एक महीना मैं उनके घर पे रही थी, फिर रीमा ने मुझे कहा कि जा चली जा, रीमा से कि रीमा मुझे तलाक लेने में नहीं रहूंगी, मुझे बहुत मारता है, तो रीमा ने मुझे डांट के भगा दिया कि चली जाओ यहाँ से, क्यों रह रही हो, वहां रहना है तुम्हें, कहाँ जाओगी इस बार। तब बोले, तब तो इतना बुरा समय था, तब तो मैं तलाक लेने के लिए सबको बोल रही थी कि मैं नहीं रहूंगी, मुझे तलाक चाहिए, तो नहीं दे दिया तलाक, वापिस भेज दिया हैदर के पास। अगर रीमा है तो रीमा को हैदर मजबूरन ब्लैकमेल करके बुलवाया जा रहा है, या तो वो रीमा ही नहीं। फिर सुबह को हम पहुंचे तो दादा के सिरोने वोने में लग सब रो रहे थे, तो हम बैठे रहे, फिर रात हो गई, फिर मुझे दोबारा बताया ना हमने खाना खाया, ना बच्चों ने खाना खाया, ना हम दो दिन से सोए हुए थे। तो चाचा गुलबानो नाम था, गोपांग के उनके पति का नाम है, अबू के दोस्त थे वो, तो वो मुझे अपने घर पे ले गए। तो रात को गाड़ी भी नहीं थी, मैं सुबह को उन लोगों ने मुझे गाड़ी पे बिठा दिया कि तुम कराची चले जाओ। रात को उन्होंने खाना खिलाया, हमें सुलाया वहीं पे। ऐसे लोगों से प्यार करूंगी मैं, मुझे याद आएंगे ऐसे लोग, ऐसे लोगों की धमकी देते हैं मुझे वो लोग, जिनको YouTube तक नहीं चलाना आता, बुजुर्ग लोग भी मेरे घर पे आते हैं, मैं चीज दिखाऊंगी आपको, घर जाओ। एक बुजुर्ग आया था, आज तक जो भी मेरी न्यूज आई है ना, सब न्यूज़पेपर से काट काट के इकट्ठा करता गया, और एक दिन मेरे पास मुझे आके दिखाया कि देखो बेटी, और इतना इमोशनल था मेरे लिए, मैं आपको क्या बताऊं, आंखों में आंसू बह रहे कि हम तुम अगर गई ना तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, तुम हमारे सनातन धर्म में हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। उसकी बातें सुन के मैं खुद, मुझे जोश आ गया कि मुझे विश्वास है, कितने मुझे विश्वास है, मुझे अपने हिंदू भाई बहनों पर विश्वास है, मुझे भारत के लोगों पर विश्वास है कि मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे वो। यही मेरा मानना है, प्यार जान भी दे दूंगी, अगर जिद में करोगे ना तो उल्टी मौत होगी। बट इंसान को इज्जत चाहिए होती है, मैं यही चाहिए। अरे तुम सुबह शाम जूते मारोगे, गालियां दोगे, बुरा तो लगेगा ना, नफरत तो दिल में पैदा होगी ना। तुम लोग कहते हैं प्यार है, मोहब्बत है, चार चार बच्चे हैं, अरे अगर वहां एक बार जाके तो देखो, तो पता पड़ जाएगी। खेलते जाओगे तुम भी छह बच्चों के माँ बाप बन के आओगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रही हूँ, अगर कभी कह भी देना कि यार अब 2-3 साल का ब्रेक करते हैं, फिर बच्चा होगा, तो नहीं, फिर तो अल्लाह ताला हमें यार घुटने से बच्चा देगा, यहाँ आके तो फिर अल्लाह ताला हमें घुटने से बच्चा देगा, पर देगा क्योंकि हमारे नसीब में लिखा है, ब्रेक नहीं कर सकते कुछ समय के लिए, ऐसी जाहिल लोग हैं वहां। अगर आप मतलब कुछ समय के लिए ब्रेक कर देगा, अल्लाह हमें नहीं करना, तो अल्लाह ताला हमें बच्चा शोल्डर से देगा या घुटने से देगा, पर देगा जरूर क्योंकि हमारे नसीब में लिखा है। पता क्या कहेंगे, हाँ ऐसा एक साथ हुआ था, ये आपको बात कंफर्म के लिए कि भाई डर बढ़ गया, मैं हाँ यार सच में ऐसा हुआ था, इतनी मोहब्बत मिल रही है इन बच्चों को, इतना सम्मान मिल रहा है इन बच्चों को, मेरे बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। डोंट वेट, पहले तान आई कि ताकि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, फिर मन जा रहे हैं, ये तो जनवरी से लेकर जा रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर जा रहे हैं, और बच्चे रेगुलर जा रहे हैं स्कूल, तीनों मेरे बड़े बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं। बबीता मम्मी बच्चों के साथ जाते हैं और सचिन जी लेकर आते हैं, छोड़ के आते हैं उनको, बच्चे अच्छे से स्कूल भी पढ़ते हैं। दादा और बच्चे होते हैं ना, पापा पापा करके रोते हैं, मम्मी मम्मी कि जो प्यार होता है ना उसकी तरह बच्चे ज्यादा होते हैं। अब मम्मी को चोट भी लगेगी, कहेगी पापा 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 करके रोएगी, ना कि मम्मी करके रोएगी। आम है, आम है, हैदर की माँ की दो पति हो गए, हैदर के पहले जो है उसकी चार पत्नियां थी, उसके ढेर सारे हैदर के भाई भाई है, कजन है, चाचा, उनके पास क्यों नहीं जा रहा, सौतेले बाप के पास क्यों पड़ा हुआ है खुद, रिजियंस का सगा बाप नहीं, जब भी छोटी बड़ी बात होती थी ना तो उसका जो सौतेला बाप है उसको एक बार गाली दे कहता है कि तू मेरा सगा बेटा थोड़ा ही, तू तो कड़ू कहानी है, कड़ू कहानी है, वो जाकरानी ऐसे कड़ू कहानी में कास्ट होती है,
अलग अलग, कणुकाणी का बेटा है, मतलब वो कणुकाणी उसका पहला बाप था, चले पड़ गया। हाँ कहता था उसका अपना सगा बेटा इरफान है हाजी अमीर जान का। हैदर ने जब प्रियंका परी राज तीनों पैदा हो चुके थे उसके बाद हैदर की जो पत्नी थी उसने खुद चला चंदा के ज्यादा बहुत उसके बच्चों को खर्चा नहीं देता था, कुछ भी नहीं देता था, खिला पाता था तो उनको कहाँ से खाना खिलाता। तो इस वजह से उस औरत ने शादी कर ली, उस औरत के हैदर ने दोनों बच्चे भी दे दिए। फिर उस औरत ने कुछ साल बच्चे अपने पास रखे, औरत की दूसरी शादी हो गई तो उसके दूसरे बच्चे नहीं रखे, मुंह हैदर के मुंह पे मार दिए कि खुद पाल, तीन दिन बेटियां, मैं किसी की बेटी के बारे में गलत क्यों बोलूं, बट ये मेरी आंखों के सामने है। इसी डर इस डर के मारे कभी भी हैदर के गांव नहीं गई थी कि कहीं मेरी बेटियां मैं ना बेच दे, ये डर लगा। हैदर मेरे बीच हमेशा इसी बात पे लड़ाई होती थी, मैं कहती थी उनको उनसे इतना बात मत करो, उनसे इतना बात मत करो, वो तुम्हारी वो बेटी बेच दे तो मेरी कल बेटी बेचते हुए देर नहीं करेंगे। मैं हमें मारपीट होती थी कि नहीं मेरा बाप है, मैंने कहा सौतेला बाप कभी अच्छा का बाप नहीं बन सकता, नहीं बिल्कुल वहाँ स्कूल ही नहीं है जैकमाबाद में। पता है मनोज भैया ये शहर बहुत सड़े शहर है इनका, तो वो खुद नहीं जाते, इनकी दुश्मनियां हैं, खून की दुश्मनियां हैं, खून कर रखे हैं ये लोग, पक्का घर भी नहीं बनाते, झोपड़ी बना के रहते हैं। जब वीडियो बनाता ना किसी घर में किसी और का ही घर होगा, हैदर के पास घर नहीं है, झोपड़ी है, बिल्कुल झोपड़ी कच्ची झोपड़ी, क्योंकि इनकी एक ही बात है हम पक्का घर क्यों बनाए, घास रहते हैं, लड़ाई करके खून करके फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, इनका कोई पक्का ठिकाना भी नहीं है।